हमारी आंख में कई हिस्से होते हैं, जैसे कॉर्निया, प्यूपल, लेंस, रेटिना इत्यादि। इन सभी हिस्सों के मिले जुले सहयोग और ब्रेन के कॉम्बिनेशन से हम किसी दृश्य को देख पाते हैं। हम जो दृश्य देखते हैं उसकी क्वालिटी बहुत हद तक आंख में मौजूद नेचुरल लेंस, जिसे क्रिस्टलाइन लेंस भी कहा जाता है, पर निर्भर करती है। ये ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल लेंस कैप्सुलर बैग के अंदर और कॉर्निया के पीछे रहता है और इसके चारों तरफ जोनुलर फाइबर जुड़े रहते हैं जो इसे अपनी पोजीशन पर बनाए रखते हैं। यह लेंस बाहर से आती हुई लाइट को रेटिना पर फोकस करने का काम करता है और जब लाइट बिना किसी रुकावट के इस लेंस से पास होकर रेटिना पे फोकस हो जाती है, तब हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। कभी कभी वृद्धावस्था में क्रिस्टलाइन लेंस धुंधला और दुधिया रंग का हो जाता है और लाइट के रास्ते में रुकावट पैदा कर देता है। इस स्थिति को कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद में आदमी को आंशिक या पूरी तरह से दिखना बंद हो सकता है। मोतियाबिंद सही करने का एकमात्र कारगर तरीका है कि खराब हो चुके नेचुरल लेंस को हटाकर एक ट्रांसपेरेंट आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाए। इस आर्टिफिशियल लेंस को इंट्रा ऑकुलर लेंस इम्प्लांट कहा जाता है और इसे सर्जरी करके नेचुरल लेंस की जगह पर लगाया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा की जाने वाली सर्जरीज में से एक है। कैटरेक्ट सर्जरी आंख के एंटीरियर हिस्से में की जाती है, जिसमें स्क्लेरा, कॉर्निया, इरिस और लेंस सम्मिलित होते हैं। इस सर्जरी में लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करके केवल आंख को शून्य किया जाता है और सर्जरी के दौरान पेशेंट होश में ही रहता है। सर्जरी से पहले आंखों में आई ड्रॉप्स डाले जाते हैं। सबसे पहले सर्जन स्क्लेरा और कॉर्निया के जंक्शन पे मेन इंसिशन लगाता है। बाद में इसी इंसिशन से आर्टिफिशियल लेंस को अंदर डाला जाएगा। इसके बाद छोटे एक या दो कट और लगाए जाते हैं, जिसके माध्यम से कुछ और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डाले जाते हैं। इसके बाद सर्जन एक जेल जैसा ट्रांसपेरेंट पदार्थ, जिसे ऑप्थेल्मिक विस्को सर्जिकल डिवाइस कहा जाता है, आँख के एंटीरियर चैम्बर में डाल देता है। ये पदार्थ आँख के अंदरूनी ढांचों को बचाता है और खाली जगह बनाता है, जहाँ सर्जन सर्जिकल टूल्स का इस्तेमाल करके ऑपरेशन कर सके। इसके बाद सर्जन सावधानी से कैप्सुलर बैग को खोलता है, जिसके अंदर लेंस रखा होता है। कैप्सुलर बैग को खोलने के लिए सर्जन लगभग आधा सेंटीमीटर का गोलाकार छेद बनाता है और लेंस तक पहुंचने का रास्ता बना देता है। इस ओपनिंग की मदद से कैप्सुलर बैग को बिना निकाले खराब हो चुके नेचुरल लेंस को बाहर निकाला जा सकता है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड प्रोब का इस्तेमाल करके धुंधले हो चुके लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सक्शन के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, जबकि कैप्सुलर बैग वहीं रहता है। अल्ट्रासाउंड प्रोब की टिप टाइटेनियम या स्टील से बनी होती है और यह अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होती है, जिसके कारण लेंस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। मोतियाबिंद वाले लेंस के निकल जाने के बाद आंख लाल रंग की दिखाई देने लगती है। ये लाल रंग आंख की रेटिना का रिफ्लेक्शन है। अंततः एक क्लियर आर्टिफिशियल लेंस को इंजेक्टर की मदद से लगा दिया जाता है। ये आर्टिफिशियल लेंस धीरे से कैप्सुलर बैग के अंदर खुल जाता है और नेचुरल लेंस की जगह ले लेता है। आर्टिफिशियल लेंस आंख के बीच में फिक्स रहता है और ना ही यह महसूस होता है और ना ही दिखाई देता है। सर्जरी के दौरान जो आंख में इंसिशन लगाए जाते हैं, वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं। ये इंट्राऑकुलर लेंसेज कई प्रकार के होते हैं और अपने प्रकार के अनुसार पेशेंट को किसी एक दूरी या कई दूरी पर चीजों को स्पष्टता से दिखा सकते हैं। मॉडर्न इंट्राऑकुलर लेंसेज जैसे कि ट्राइफोकल लेंसेज दूर, मध्यम और पास के दृश्यों को स्पष्टता से दिखा सकते हैं और काफी चांसेस होते हैं कि पेशेंट को चश्मा लगाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, अगर आप हिंदी या मैथिली गाने सुनना पसंद करते हैं तो आप KM स्वर संगीत YouTube चैनल पर जा सकते हैं। इस चैनल पर आपको क्षितिज मिश्रा जी की आवाज में हिंदी फिल्मों से लेकर भक्ति संगीत तक सभी तरह के गाने सुनने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।